तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताऊं सैमसंग A52s में जो अगस्त का सिक्योरिटी अपडेट या बोल सकते हैं अगस्त का जो अपडेट आया था उसके बारे में बताने वाला हूं। उस अपडेट के बाद क्या नए फीचर को वहां पर एड ऑन किया गया है और क्या नए चेंजेस किए गए आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। और जो मुझे लगता है ये बग्स अभी भी इसके अंदर है। तो यहां पर जो सबसे पहला जो फीचर है यहां पर जो मुझे एड ऑन किया गया है वो है यहां पर फिंगरप्रिंट से लेके। अगर आप यहां पर फिंगरप्रिंट डिस्प्ले या बोल सकते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को आप यूज करते हैं तो ये यहां पर पहले से क्विकली हो चुका है। बहुत ही इजीली ये यहां पर वर्क कर रहा है, बहुत ही क्विकली यहां पर वर्क कर रहा है। मुझे तो ये चीज अच्छी लगी। तो इस अपडेट में सबसे पहला अपडेट यही है, सबसे पहला चेंजेस यही है कि इसकी यहां पर स्पीड को इंप्रूव कर दिया गया है। साथ में अगर आप फेस अनलॉक भी यूज करते हैं तो फेस अनलॉक के भी स्पीड को यहां पर इंप्रूव कर दिया गया। अगर आप फेस अनलॉक यूज करते हैं तो वो फेस अनलॉक भी यहां पर काफी स्मूथली आप बोल सकते हैं काफी फास्टली यहां पर वर्क कर रहा है। तो ये यहां पर सबसे पहला अपडेट में चेंजेस किया गया है। अगर आप देखेंगे यहां पर सिक्योर सेटिंग में जाके जो इसका अपडेटेड है, यहां पर जाएंगे आप सेटिंग पे, सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहां पर बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे, बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद मोर बायोमेट्रिक में जाएंगे आप यहां पर देखेंगे जो इसका वर्जन है यहाँ पर पहले से इम्प्रूव हो चुका है। आप देख रहे होंगे फिंगरप्रिंट वर्जन और यही यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन वर्जन दोनों यहाँ पर इम्प्रूव कर दिए गए। तो सबसे पहला चेंजेस यहाँ पर यही हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड चेंजेस बताने वाला हूँ वो है स्मूथनेस को लेकर। यहाँ पर जो इसकी स्मूथनेस है बहुत ही अच्छी कर दी गई है। अब यहाँ पर बहुत ही क्विकली यहाँ पर ये अपडेट चल रहा है। आप अगर मैं इसको यूं चलाऊंगा तो आप देखेंगे बहुत ही क्विकली यहाँ पर रन कर रहा है। पहले इतना रन तेज चलता ही था बट फिर भी अब यहाँ पर और क्विकली हो गया है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था अब यहाँ पर ये क्विकली कर दिया गया है। तो सेकंड अपडेट ये था। उसके बाद दोस्तों थर्ड फ्यूचर या बोल सकते हैं थर्ड चेंजेस यहाँ पर क्या किया गया है। थर्ड चेंजेस यहाँ पर ये किया गया है, अगर आप यहाँ पर कैमरे पे जाएंगे तो कैमरे पे मुझे तो लगा नहीं कुछ अपडेट या बोल सकते हैं कुछ नए चेंजेस किए गए। कैमरा वैसे का वैसा ही है। अगर आप यहाँ पर मोर सेटिंग पे भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। चेंजेस वैसे के वैसे ही है बट यहाँ पर कुछ चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर जो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस है इम्प्रूव कर दी गई है। वैसे मैं डेली दिन में दो बार चार्ज करता था बट अभी मैंने कल से अपडेट करने के बाद अभी तक इसको चार्ज नहीं करा है और अभी भी 32% की मेरे पास बैटरी अवेलेबल है। अगर मैं आपको यहाँ पर ले जाऊँ बैटरी और उसमें डिवाइस केयर में तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी इम्प्रूव मेरे को तो लगी है कि बैटरी यहाँ पर इम्प्रूव हो गई है। अभी मेरे पास 6 घंटे तक चलने की कैपेसिटी है और लास्ट चार्जिंग मैंने 19 घंटे पहले करा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा 19 आवर्स पहले मैंने इसको चार्ज करा था और जो कि इसकी स्पीड ये बोल सकते हैं इसकी चलने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर इम्प्रूव लगी है इसके अंदर। साथ में यहाँ पर एक फीचर मुझे एड ऑन लगा है कि शायद एड ऑन हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले से अपडेट था पर मुझे लगता है कि इस अपडेट के बाद ये यहाँ पर करा गया है। क्या, अगर मैं आपको यहाँ पर गैलरी में लेके जाऊंगा, गैलरी में जाके आप देखेंगे अगर मैं आपको गैलरी में लेके आया, गैलरी में आने के बाद मैं अगर यहाँ पर किसी फोटो को एडिट करता हूँ, फोटो को एडिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको इस पर एडिट करता हूँ तो आपको यहाँ पर नीचे शार्पनेस का ऑप्शन मिल रहा होगा जो कि पहले नहीं आता था। अब यहाँ पर आप शार्पनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि पहले अपडेट में नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता है हो सकता आता भी हो बट ये मुझे अभी लगा है कि इस अपडेट के बाद यहाँ पर चेंजेस किया गया है। मैं इस इन वाली जो एप्स हैं जो कि मैंने पहले बताया था इन एप्स को अपडेट कर दिया गया है बट इसमें कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया बोल सकते हैं चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पर अपडेट करे होंगे। जो भी इसमें छोटे मोटे बग्स होंगे यहाँ पर इसको इम्प्रूव कर दिया गया बोल सकते हैं, उनको सोल्यूशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर की गई है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो मुझे लगा है जो ग्लेंस ऑन सैमसंग का जो इशू था वो वर्किंग नहीं कर रहा था वो अभी भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। इस अपडेट के बाद भी ग्लेंस ऑन सैमसंग जो वॉलपेपर सर्विस होती है वो अभी भी इसमें वर्क नहीं कर रही है। मैंने उसको यूज करके देखा वो वर्क नहीं कर रही है। और यहाँ पर जो बैटरी ड्रेनिंग की बात है तो बैटरी ड्रेनिंग तो मुझे नहीं लगा यार, मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने अभी भी हॉटस्पॉट यहाँ पर शेयर करा हुआ है और यहाँ पर अभी भी मेरा मोबाइल हीट नहीं हो रहा है और ना मेरे पास अभी फैन मैंने ऑन करके रखा। नॉर्मल टेम्परेचर में मैं चला रहा हूँ तो भी यहाँ पर हीटिंग की मुझे कोई इशू नहीं मिल रहा है। ओवरऑल इस अपडेट का मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा लगा, पहले से ज्यादा अच्छा लगा। साथ में वाईफाई और नेट की स्पीड को यहाँ पर इंप्रूव कर दिया गया है बोल सकते हैं, यहाँ पर कनेक्टिविटी को यहाँ पर इंप्रूव कर दिया। अगर आप ब्लूटूथ यूज करते हैं तो उसकी भी यहां पर कनेक्टिविटी को यहां पर इंप्रूव कर दिया गया है। तो ओवरऑल जो ये वाला एक्सपीरियंस है मुझे तो काफी बेस्ट लगा। और अगर आप जब इसको नोटिफिकेशन को नीचे से फटफट करते हैं तो यहां पर ये भी क्विकली वर्क कर रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज बेस्ट, बैटरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, बैटरी परफॉर्मेंस को यहाँ पर इंक्रीज किया हुआ है। कुछ छोटे छोटे सम चेंजेस किए गए हैं जो कि हो सकता है कि मैंने नोटिस नहीं करे। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ नए चेंजेस किए गए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये मेरी वीडियो लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज
सब्सक्राइब करना ना बोले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चैनल पे अगर आप नए हो या पहली बार आए, और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी सैमसंग से रिलेटेड वीडियो मैं देता रहता हूं तो आपको सबसे पहले वहां पर अपडेट मिले, और हो सके तो इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।